हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर अगेन। आज अपने इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको अपने इम्यून सिस्टम के सारे कंपोनेंट का डिस्कशन कर लिया था। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारे शरीर में दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है। इनमें से एक होती है इननेट इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं कि ये बाई बर्थ होती है, जन्मजात होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं इसको हिंदी में। दूसरी इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म के बाद किसी भी इंसान को प्राप्त होती है। ये जो जन्म के बाद प्राप्त होती है हम इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नाम देते हैं, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप तब होती है जबकि किसी पैथोजन से हमारा सामना होता है। सामना का मतलब आपको किसी भी पैथोजन का संक्रमण होता है। तो आपकी बॉडी में जब किसी पैथोजन का संक्रमण होता है तो दोनों प्रकार की इम्यूनिटी वर्क करती है। एक आपकी इननेट इम्यूनिटी जो कि जन्मजात होती है, बाई बर्थ आपके शरीर में पहले से विद्यमान होती है, पहले से पाई जाती है, तो ये वर्क करती है। हमने आपको बताया था कि जो इननेट इम्यूनिटी है ये एक बैरियर के रूप में आपकी बॉडी में काम करती है। बैरियर का मतलब ये होता है कि रुकावट पैदा करना, पैथोजन का शरीर में प्रवेश ना हो, इसकी व्यवस्था करनी है। अगर प्रवेश हो गया तो उसका इस्टेब्लिशमेंट, पैथोजन की रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसका सर्वाइवल, उसका रेप्लिकेशन, उसका उसके द्वारा जो हमारी बॉडी में जो पैथोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं इसे रोकने का प्रयास किया जाता है। इसको हम सामान्य प्रतिरक्षा कहते हैं। जन्मजात होती है और सभी प्रकार के पैथोजन में एक ही प्रकार का एक्शन होता है। ये हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने आपको पिछले लेक्चर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी बताया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये जन्म के बाद जब इस इन्वायरमेंट से आपका सीधा कॉन्टैक्ट होता है तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो पैथोजेंस होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। इस इन्फेक्शन के बाद आपका शरीर इनसे किस प्रकार से लड़ता है तो दोनों विधियां यहाँ पर होती हैं, यानी कि दोनों मैकेनिज्म काम करेगी। एक तो सारे बैरियर्स काम करेंगे जो पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे, पैथोजन के द्वारा होने वाले जो बॉडी में चेंजेज हैं उनको रोकने का प्रयास करेंगे, डैमेज को रोकेंगे, और इसके बाद फिर स्टार्ट होती है हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो जनरेट होती है। ध्यान रहे कि इन्फेक्शन होते ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट नहीं हो जाती, दिस विल टेक टाइम, यह एक समय लेता है उस पैथोजन को पहचानने में, उसके द्वारा लाए गए एंटीजन का केमिकल नेचर आइडेंटिफाई करने में। फिर इसके बाद जो हमारे शरीर की बीटा कोशिकाएं होती हैं, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो बी सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स, ये उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करती हैं। एंटीजन पैथोजन के द्वारा एक्सपोज किया गया केमिकल है जो हमारी बॉडी में है, और इसके खिलाफ हमारे शरीर की तरफ से, हमारे शरीर की होस्ट जो सेल है उस पैथोजन के लिए, उसके द्वारा उसके एंटीजन को न्यूट्रल करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनते हैं। इसका भी डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी इम्यूनिटी वर्सेस सेकेंडरी इम्यूनिटी, ये क्या चीज़ है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है। जब किसी भी पैथोजन से आपके शरीर में सबसे पहले संक्रमण होता है, यानी कि किसी भी पैथोजन का जब प्रथम बार संक्रमण होता है तो हमारा प्राइमरी इम्यून सिस्टम वर्क करता है, इसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इसमें दोनों वर्क कर रहे हैं, यानी कि जनरल रेजिस्टेंस मैकेनिज्म भी वर्क कर रही है और स्पेसिफिक भी वर्क कर रही है, जिसको कि हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो देती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का जो एक्शन हमारी बॉडी में होता है ये स्लो होता है। इसमें एंटीबॉडी शुरुआत में बनने में समय लगता है और एंटीबॉडी के बनने की रफ्तार भी
रिलेटिवली स्लो स्पीड से होती है। लेकिन जब उसी पैथोजन का इन्फेक्शन कभी दोबारा होता है, पहली बार इन्फेक्शन हुआ तो आप अगर इम्यूनो स्ट्रांग हैं, आपकी बॉडी में पर्याप्त इम्यूनिटी है उस पैथोजन से लड़ने के लिए, तो उसके एंटीजन को न्यूट्रल करने वाले एंटीबॉडी बनेंगे। विभिन्न प्रकार की विधियों से हम उसके प्रसार को अपने शरीर में रोक लेते हैं। ये हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब अगर आप इम्यूनो स्ट्रांग हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आप उस पैथोजन के इन्फेक्शन से अपने आप को रिकवर कर लेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा इस पैथोजन का संक्रमण आपको नहीं होगा। इस पैथोजन का संक्रमण होगा, लेकिन इसके खिलाफ हमारा जो एक्शन है वो किस तरह का होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में अब तक कितने ज़्यादा मात्रा में उस पैथोजन के एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन चुके हैं। तो इस तरह से प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और फिर उसके बाद सेकेंडरी इम्यून। तो जब प्रथम संक्रमण होता है तो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है इट इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और जब दूसरी बार उस पैथोजन का संक्रमण होता है तो हम इस प्रकार के रिस्पॉन्स को सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। तो आइए और हम सबसे पहले बात करें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि ये आपकी होस्ट सेल है एंड दिस वन इज द पैथोजन। इस पैथोजन की बॉडी पर एंटीजन्स हैं, इसके सरफेस पर क्या है, एंटीजन है, और ये आपकी होस्ट सेल है, या आप यूं समझ लीजिए कि ये इम्यूनो एक्टिव सेल है। इम्यूनो एक्टिव सेल, दिस पैथोजन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस होस्ट सेल एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ इन्फेक्शन हियर दिस होस्ट सेल हैज डेवलप्ड नाउ द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज आर द एंटीबॉडीज दिस वन इज द पैथोजन एंड दिस वन इज द इम्यूनो एक्टिव सेल जो कि इस पैथोजन के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ रही है। अब इन दोनों का जो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है, दिस वन इज फर्स्ट टाइम एक्सपोजर, फर्स्ट एक्सपोजर, व्हाट इज द रिजल्ट, दिस इम्यूनो एक्टिव सेल हैज फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस एंटीजन, दिस वन एंटीजन। एंटीजन पैथोजन के सरफेस पर होते हैं और इस एंटीजन को पहचान करके इम्यूनो एक्टिव सेल एंटीबॉडी बना लेती है। अब ये जो वाई शेप में ये जो मॉलिक्यूल्स यहां दिखाए गए हैं, ये इसके एंटीजन से उसी प्रकार से एक्शन करते हैं जैसे कि एंजाइम किसी सबस्ट्रेट से एक्शन करता है। मींस जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक उसी तरीके से यहां पर ये जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं ये इस एंटीजन के लिए क्या है, स्पेसिफिक है। ध्यान रहे कि एक एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी में बना हुआ एंटीबॉडी कभी भी किसी दूसरे टाइप के एंटीजन के साथ कंपेटेबल नहीं होता, मैच नहीं करेगा, उसके खिलाफ एक्शन नहीं करेगा। इसलिए एंटीबॉडी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है। तो इस तरह से जब पैथोजन का इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होता है तो इस फर्स्ट टाइम एक्सपोजर की वजह से हमारी होस्ट सेल में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। नाउ वन क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दैट हाउ मैनी आवर्स आर डेज आर मंथ्स रिक्वायर्ड टू डेवलप द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो दिस विल टेक 7 to 14 डेज।
फ्रॉम द फर्स्ट टाइम एक्सपोजर ऑफ द पैथोजन, यानी कि जिस समय पैथोजन का इन्फेक्शन होता है उससे 7 से यानी कि 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के भीतर हमारे शरीर के अंदर उस पैथोजन के एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनने हैं वो बनने लगेंगे। अब यहां पर आपको एक जो ये टर्म एंटीबॉडी है ये बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ये आपको समझना चाहिए कि एंटीबॉडीज जो होते हैं ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो आपके ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये विशेष प्रकार के प्रोटीन्स जो ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं हम इनको स्पेसिफिकली ग्लोब्यूलिन बोलते हैं। ये ग्लोब्यूलिन होते हैं आपके ब्लड प्लाज्मा में, टोटल प्रोटीन्स का 2% होते हैं, ये 2% ऑफ टोटल प्रोटीन, अबाउट 7-8% प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड, ऑफ विच 2% आर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स एंड दीज आर ऑफ 3 टाइप। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको यहाँ जानना चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन, ये ग्लोब्यूलिन जो होते हैं इनमें 3 होते हैं, एक तो अल्फा ग्लोब्यूलिन होते हैं, दूसरे होते हैं बीटा ग्लोब्यूलिन होते हैं, और तीसरे होते हैं गामा ग्लोब्यूलिन। आपके शरीर के अंदर ये जो दोनों हैं ये एंटीबॉडी नहीं बनाते, इनका रोल एंटीबॉडी बनाने में नहीं है। कौन कौन से? अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। दीज टू ग्लोबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन योर ब्लड प्लाज्मा हैव नो रोल टू प्ले इन इम्यून सिस्टम। दीज आर द कैरियर्स ऑफ आयंस लाइक कॉपर एंड आयरन। ये कॉपर और आयरन के कैरियर्स होते हैं, इनका एंटीबॉडी बनाने में कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो दूसरा होता, तीसरा, ये गामा ग्लोबुलिन जो होता है इट इज इम्यूनो एक्टिव प्रोटीन। दिस वन इज इम्यूनो एक्टिव प्रोटीन, दिस वन, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हम इसलिए इसे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं, और रिप्रेजेंटेशन इसका इस प्रकार होता है आईजी, दिस वन। आईजी स्टैंड्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, दोज ग्लोबुलिन प्रोटीन्स विच आर इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव एंड गोइंग टू प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग द एंटीबॉडीज। इस तरह से ये जो आई जी होते हैं आप इन्हीं को, इन्हीं इम्यूनोग्लोबुलिन्स को आप एंटीबॉडी कह सकते हैं। हम इन्हीं को क्या कह सकते हैं? दीज आर द एंटीबॉडीज। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं इन प्रोटीन में से 3 प्रकार के ये क्या नाम है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं 3 प्रकार के, 2% ये होते हैं, इनमें से अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन, इनका रोल एंटीबॉडी बनाने में नहीं होता, और इसका जो गामा ग्लोबुलिन होता है, दीज आर इम्यूनो एक्टिव प्रोटीन्स एक्टिव इन इम्यून सिस्टम, देयरफॉर आल्सो नोन एज इम्यूनो ग्लोबुलिन्स एंड रिप्रेजेंटेड एज आई जी, इम्यूनो ग्लोबुलिन, राइट। अब अगर हम ये देखें कि ये इम्यूनो ग्लोबुलिन आपकी बॉडी में ये 5 प्रकार के होते हैं, कितने तरीके होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से हैं? जिन प्रोटीन्स का रोल एंटीबॉडी बनाने में है, यानी कि आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये कितने प्रकार के होते हैं? दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, आई जी ए, आई जी डी, आई जी ई, आई जी जी एंड आई जी एम। ये जो 5 प्रकार के प्रोटीन्स हैं इनका डिटेल हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा थोड़ा बात इनकी जो है, थोड़ी थोड़ी बातें इनकी जाननी है, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि इम्यूनिटी सेकेंडरी और प्राइमरी का मतलब क्या हुआ। तो आई जी ए की अगर हम बात करें, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, तो यह जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो एक जनरल एंटीबॉडी होता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, आई जी ए, एंड इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेक्रीशंस जस्ट लाइक मिल्क, ये माँ के दूध में होता है, इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को 6 माह तक केवल माँ का दूध देना चाहिए जिससे कि बच्चे में स्ट्रांग इम्यूनिटी जनरेट होती है।
यस, इसलिए माँ का दूध बच्चे को प्रथम 6 माह तक, जन्म के बाद से 6 माह तक माँ का दूध ही केवल बच्चे को देना चाहिए, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने वाला जो एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी उस बच्चे को प्राप्त हो रहा है, वो माँ के मिल्क से प्राप्त होता है। तो माँ के दूध में IgA होता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के जो सेक्रीशंस हैं, जैसे आंखों में टीयर्स का सेक्रीशन होता है, इनमें पाए जाते हैं। जैसे आप में जो सेबेसियस ग्लैंड्स स्किन में होती हैं, जो सेबम सेक्रीट होता है, उनमें पाई जाती हैं, एयर वैक्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये IgA जो होता है, ये है वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी होता है। इट इज नॉट सो स्पेसिफिक, इट इज ए जनरल काइंड ऑफ एंटीबॉडी, इट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बॉडी सेक्रीशंस एज आई टोल्ड यू। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद IgD ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी पाया जाता है लिम्फोसाइट से, इसका संबंध होता है, उसके सरफेस से अटैच्ड होता है। IgE की अगर हम बात करें तो आपकी बॉडी में जितने भी प्रकार के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं, एलर्जिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सब में इसका रोल होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई का एलर्जिकल रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार है। IgE इज एसोसिएटेड टू एसिडोफिल्स ऑफ ब्लड एंड बेसोफिल्स ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो विद द मास्ट सेल्स। 3 प्रकार की कोशिकाएं याद कर लीजिए, मास्ट सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाती हैं, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स, ये 3 प्रकार की सेल्स हैं। और इन 3 प्रकार की सेल्स से यह एसोसिएटेड होता है और इसका सीधा रिस्पॉन्स एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी और इन्फ्लेमेशन में होता है। किसी भी प्रकार की एलर्जी अगर बॉडी में हो रही है तो उसका संबंध किससे है? इस मॉलिक्यूल से। एलर्जी प्रेजेंट इन मिल्क, टीयर्स, सेवम, इस तरह से जो बॉडी के सेक्रीशन से उनमें IgA होता है। IgE इट इज एसोसिएटेड टू बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड मास्ट सेल्स, इनसे इनका संबंध है। और रिस्पॉन्स क्या होता है? एलर्जी और इन्फ्लेमेशन और किसी भी प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी। रह गई बात अगर हम इन दोनों की देखें तो सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई होता है, मोस्ट एक्टिव एंटीबॉडी एंड हाईली स्पेसिफिक, तो यह है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। यस, यहां ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई भी एंटीबॉडी होता है तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है। अगर हम यहां पर बात करें IgM की, तो जब कभी भी इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम होता है तो सबसे पहला जो एंटीबॉडी किसी पैथोजन के खिलाफ बनता है वो IgM होता है, इसलिए हम इसे फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी कहते हैं। दिस वन इज फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी कहते हैं, दिस वन, ये सबसे पहले बनने वाला। व्हेन यू गेट इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम विद एनी काइंड ऑफ पैथोजन, द फर्स्ट एंटीबॉडी दैट कम्स टू जनरेट द रिस्पॉन्स इज IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम के बनने के बाद स्टार्ट होता है बनना कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे पहला इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहला जो एंटीबॉडी बनता है वो IgM होता है, बींग हैवीएस्ट, इसका मॉलिक्यूलर वेट इन सभी में सबसे ज्यादा होता है और ओल्डेस्ट एंटीबॉडी होता है, फर्स्ट फॉर्म्ड एंटीबॉडी होता है, जिसको हम IgM कह रहे हैं। अब आइए और हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून पर। हमने एंटीबॉडी समझ लिया होते क्या है, ध्यान रहे कि IgG और IgM हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होते हैं, स्पेसिफिक टू एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक ये होते हैं एक्शन में। अब यहां पे आइए इस डायग्राम पर एक बार फिर, पैथोजन यानी इसको मान लो कि सपोज दैट कि एक वायरस है, कोरोना वायरस है, आपको इन्फेक्शन हुआ, उसके सरफेस पर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो एंटीजेनिक हो जाएंगे और उसके खिलाफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनने लगेगा, बॉडी सेल में, और जो बनाएगा उसको इम्यूनो एक्टिव सेल कहेंगे। अब यह जो इम्यूनो एक्टिव सेल है कि या ये तुरंत ही जैसे एक्सपोजर हुआ क्या तुरंत एंटीबॉडी बना देता है? नो, दिस विल टेक टाइम। और यह जो ड्यूरेशन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का होता है, इट इज 7 to 14 डेज, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच का अंतराल हो सकता है।
जिसमें कि ये अपने पीक पर आता है एंटीबॉडी। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, अब होगा क्या कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स तब जनरेट होता है, तब एक्शन में आता है, जब उसी पैथोजन का जिसका इन्फेक्शन आपको इसके पहले हो चुका है उसी का इन्फेक्शन दोबारा आपको होगा। व्हेन यू गेट द सेकंड टाइम इन्फेक्शन विद द सेम काइंड ऑफ पैथोजन, योर सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स विल कम इन एक्शन। यस, समझ में आ गया। तो पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी में क्या होता है, फिर देखेंगे कि सेकेंडरी में क्या होता है। जब प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ इसको, इसने, इस बंदे ने अपने शरीर में एंटीबॉडी बना करके अपने आप को उस बीमारी से रिकवर कर लिया, यानी कि ये स्वस्थ हो गया, इसमें वो बीमारी समाप्त हो चुकी है, इन्फेक्शन समाप्त हो चुका है। हमने आपको बताया था कि आपके शरीर की जो बीटा सेल्स होती हैं जब किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उसके खिलाफ मेमोरी जनरेट कर लेती हैं, उसके खिलाफ उसकी याददाश्त इनके मन में आ जाती है। इनके एक सॉफ्टवेयर, इनका जिसको हम उसका न्यूक्लियस होता है, उसका जीन होता है, उसमें इसके खिलाफ एक मेमोरी प्रिजर्व हो जाती है और फिर ये बीटा लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि दो टुकड़ी में, सेना की दो टुकड़ी बट जाती है, इनमें से एक जिसने एंटीबॉडी तुरंत बनाया उसका नाम इफेक्टर सेल या प्लाज्मा सेल है, ये तुरंत एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन इनमें से कुछ रिजर्व सेल्स होती हैं जिनके पास इस प्रकार के पैथोजन की सारी जानकारी प्रिजर्व हो चुकी है उसके न्यूक्लियस में, यानी कि ये सेल्स उसकी पहचान कर चुकी हैं और इन फ्यूचर अगर वही पैथोजन जब दोबारा आएगा तो देख लेंगे इसको, बहुत अच्छी तरह से एंटीबॉडी बनता है फिर उसके खिलाफ। इसलिए सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसकी स्पीड प्राइमरी कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। आइए और हम इसको एक डायग्राम से, ग्राफिकल डायग्राम से इसको हम समझते हैं कि क्या है। ये इस ग्राफ में अगर आप देखें, यहाँ पर जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करने चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एक्सिस पर हमने ले रखा है डेज, दिन। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं फर्स्ट डे एक्सपोजर, पहली टाइम जब इन्फेक्शन यहाँ पर होता है तो दिस विल बी काउंटेड एज जीरो। यहाँ से हम चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से डेज हम काउंट करेंगे और हम इस एक्सिस पर दिखा रहे हैं कि एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन कितना है। यहाँ पर जैसे इन्फेक्शन होगा एंटीबॉडी बनना शुरू होगा, यह जो ब्लू लाइन से जो हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर, यहां पर जो ब्लू लाइन है, दिस ब्लू लाइन इंडिकेटिंग हियर IgM एंड हियर द रेड लाइन here, this red line is IgG। इस तरह से अगर हम देखें यहां पर, यह प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर, जब यहां पर इंफेक्शन पहली बार किसी भी पैथोजन का होता है, फर्स्ट इंफेक्शन हियर, तो फिर सबसे पहले आपका IgM बनता है। IgM
धीरे धीरे बढ़ करके सातवें दिन से इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और ये लगभग 10 दिन में आ करके अपने पीक पर पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे होकर के इसका कंसंट्रेशन फिर कम हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि IgG जो है, ये IgG रेड कलर से दिखाया मैंने यहाँ, IgG इसका कंसंट्रेशन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM के कंपेरिजन में कम होता है। आप इसी ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, अगर हम ऐसे देखें, आप सेकंड टाइम इन्फेक्शन जब हो रहा है, नाउ सपोज दैट इन्फेक्शन अगेन टेक्स प्लेस हियर, अब अगर इन्फेक्शन होगा यहां पे, हम क्या लिख रहे हैं यहां पर, इट इज द सेकंड टाइम इन्फेक्शन। सेकंड टाइम एक्सपोजर, नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यू कैन सी हियर दैट IgG नाउ स्टार्ट्स राइजिंग एब्रप्टली, बहुत तेजी से IgG का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इस तरह से ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जबकि IgM जो होगा इस समय, IgM का पीक वही रहेगा, नियर अबाउट द सेम एज इट वॉज इन प्राइमरी इन्फेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, यू विल फाइंड द पीक ऑफ दिस एंटीबॉडी, दिस वन, एंड दिस वन इज IgG पीक। इस ग्राफ में अगर हम देखें यहां पर, तो IgG जो है ये अपने हाईएस्ट लेवल पर है। कब ऐसा हुआ, सेकंड डे, सेकंड टाइम जब एक्सपोजर होता है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर आफ्टर 15 डेज, जब सेकंड टाइम एक्सपोजर हो रहा है तो उस समय जिस रफ्तार से एंटीबॉडी IgG यहां बन रहा था, उससे कई गुना तेज रफ्तार से IgG बनता है। क्यों? क्योंकि अब हमें उस पैथोजेन की पहचान करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले उसकी पहचान हमने कर लिया है, हमारे शरीर में उसकी पहचान हो चुकी है कि वो किस प्रकार का है, उसका केमिकल नेचर उस एंटीजन का कैसा है, राइट? अब जब सेकंड टाइम होगा तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान आइडेंटिफिकेशन, एंटीजन प्रेजेंटिंग, ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब यहाँ पर बहुत तेज हो जाएगा। यहाँ पर मेमोरी सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और विद इन नो टाइम इनको एंटीबॉडी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ से अगर हम ये मान लें कि 15th डे इन्फेक्शन हुआ है, तो लगभग 2 से 3 दिन में ही, अर्थात अगर हम मान लें कि 16th डे पर इन्फेक्शन हुआ है सपोज दैट, तो 20 तक आते आते इसका पीक आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात अगर हम नोट करें कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, कि एंटीबॉडी पीक आपको कितने दिन पर मिलता है, आफ्टर 7 to 10 डेज एंड आफ्टर 2 to 3 डेज। ये है, इसमें हम 2 दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि एंटीबॉडी पीक हमें कब मिलेगा, तो एंटीबॉडी पीक यह किस में मिलेगा, यह आपको मिलेगा प्राइमरी में, प्राइमरी इम्यून में, इम्यून रिस्पॉन्स में आपको एंटीबॉडी पीक मिलने में 7 से 10 दिन लग रहे हैं, तो यहीं पर केवल 2 से 3 दिन लग रहा है किसमें, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में। ये है, अब आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जब इन्फेक्शन पहली बार होता है तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का जो वर्क होता है उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। दिस विल टेक टाइम, इट इज स्लो एक्टिंग प्रोसेस एंड द एंटीबॉडी पीक यू विल गेट आफ्टर 7th डे ऑफ इन्फेक्शन। बट इफ नेक्स्ट टाइम द सेम काइंड ऑफ पैथोजन कम्स एंड इन्फेक्ट आवर बॉडी, आवर इम्यून सिस्टम ऑलरेडी हैविंग द मेमोरी सेल्स, अ बंच ऑफ मेमोरी सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी अगेंस्ट दिस पैथोजन एंड देयर इज नो नीड टू आइडेंटिफाई इट अगेन, टू आइडेंटिफाई इट्स केमिकल नेचर ऑफ द एंटीजन। हेयर ऑलरेडी द मेमोरी सेल्स हैव प्रिजर्व्ड द इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट दैट पैथोजन
एंड विल फॉर्म एंटीबॉडी विद इन नो टाइम एंड इन 2 to 3 days यू विल गेट द पीक ऑफ दैट एंटीबॉडी दैट इज IgG. तो IgM प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के समय इसका लेवल ज़्यादा होता है, IgG का कम होता है, लेकिन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसमें IgG बहुत खतरनाक एंटीबॉडी होते हैं और फास्ट एक्टिंग होते हैं और उस एंटीजन को समाप्त करने में ये पर्याप्त होते हैं। अब किसी भी पर्सन में इम्यूनिटी किस लेवल की है, यानी कि IgG का निर्माण कितना फास्ट हो रहा है उस वायरस या उस पैथोजन के एंटीजन के खिलाफ, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। यूं आप कह सकते हैं कि जिसमें एंटीबॉडी बहुत अच्छा बन रहा है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। यस, तो इस प्रकार से आपको यहां पर इतना क्लियर हो गया कि पर्संस जो होते हैं, यानी कि लोग जो हैं, आदमी जो हैं, इनमें इम्यूनिटी वेरिएबल ग्रेड की होती है। एक ऐसे होते हैं जो कि इम्यूनो एक्टिव होते हैं, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है। दूसरे ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेन के लिए, दीज आर मोर प्रोन टूवर्ड्स द इन्फेक्शन। वाई? दीज आर हैविंग द वीक ग्रेड ऑफ इम्यूनिटी एंड सच पर्सन्स आर नोन एज इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन्स। इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड, दे हैव कंप्रोमाइज्ड विद द इम्यून कंडीशंस। They have very poor immune system in their body. So, if the infection of a particular kind of pathogen takes place, it becomes very difficult for them to tackle the situation. इस emergency condition को संभाल पाना इनके बस की बात नहीं होती है। इसलिए दो तरह के persons हो गए, एक ऐसे जो कि pathogens के लिए susceptible हैं और दूसरे ऐसे जो कि immune हैं। अब हम इसी पर बात करने चल रहे हैं कि जिस दौर से हमारा देश आज गुजर रहा है कोरोना इन्फेक्शन से, कहाँ जाएंगे हम, किस लेवल पर जा करके रुकेगा ये प्रसार प्रसार इस बीमारी का। यह जो अभी जो सिचुएशन बनी हुई है इस पर थोड़ा सा, क्योंकि आंकड़े बहुत क्लियर नहीं है, टेस्टिंग भी कम हो रही है, जितना अपेक्षित जो टेस्टिंग होनी चाहिए उससे अभी हम टेस्ट कम कर पा रहे हैं। तो अगर टेस्ट कम कर पा रहे हैं तो कितने लोग कोरोना से इन्फेक्शन कितने लोगों को हुआ है इसका एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। ये वो आंकड़े हैं जो हमको अखबार मीडिया के माध्यम से और सरकार दे रही है, हमें बिलीव करना ही है इन पर। हम सर्वे नहीं कर सकते तो हमें इन पर बिलीव करना है, लेकिन हमें इस बात में विश्वास करने में भी कोई रुकावट नहीं है कि साहब ऐसे भी तो लोग होंगे जो कि सरकार के सर्वे में उनकी निगाह में नहीं आए हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक केसेज हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिन्हें इन्फेक्शन तो है लेकिन उनमें कोई सिम्टम नहीं है। सच पर्सन्स आर इम्यूनो स्ट्रांग, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा भी हो सकता है कि हम आप में से ढेर सारे लोगों को कोरोना छू कर चला गया हो, कोरोना छू कर चला गया हो और आपका बाल नहीं बांका हुआ एंड यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम दैट इन्फेक्शन ऑलरेडी। आपको पता ही नहीं है और आपको आपको इन्फेक्शन हुआ और आपने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ लिया, जंग जीत लिया, आपको पता ही नहीं कौन सी लड़ाई लड़कर बैठे हैं और जीत गए और आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रांग इम्यूनिटी थी इसलिए आपके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है। आप भाग्यशाली हैं बट यू आर कैरियर। तब तक जब तक कि आपने कोरोना पर विजय नहीं प्राप्त किया तब तक तो आप कैरियर हैं। भले आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा लेकिन आपके बगल जो बंदा जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है अगर आप उसके संपर्क में आएंगे तो आपसे उसको इन्फेक्शन होगा और उसे इन्फेक्शन होगा तो वो उसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसके लिए ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। ये हो सकता है वो रिकवर ना करे, ऐसे ढेर सारे केसेज आपको मिल रहे हैं। लेकिन हम भाग्यशाली इस बात को लेकर के हैं कि हम हिंदुस्तानियों में इम्यूनिटी अच्छी है। अगर हम सरकार के आंकड़ों पर ही विश्वास कर लें तो जो रिकवरी रेट है वो लगभग 52-53% जा रहा है, 50% से ज़्यादा का आंकड़ा इस समय अब मिल रहा है रिकवरी का, जो डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो हमें एक नज़र डालनी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हमें ये सोचना है कि क्या यह इन्फेक्शन का दौर अगर इसी तरीके से चला तो क्या सारे के सारे इस दुनिया से समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, या बचेंगे? अगर बचेंगे तो किस आधार पर बच रहे हैं, इसको समझने के लिए निश्चित रूप से हमको
कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी में चलना पड़ेगा। थोड़ी सी बात हम आपको बहुत स्पेसिफिक, बहुत साइंटिफिक वे में तो नहीं, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द हर्ड इम्यूनिटी। और यही एक हथियार, जब तक कि वैक्सीन का निर्माण नहीं हुआ है तब तक कोरोना के खिलाफ लड़ने का यही एक अचूक हथियार है जो कि हमारी इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी। आइए और हम इस पर एक ब्रीफ लेक्चर देते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या। कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, सपोज करिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन में ये तीन तरह के व्यक्ति हैं। इनमें से एक ऐसे हैं जो हेल्दी पर्सन्स हैं लेकिन इनको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये स्वस्थ लोग हैं, इनमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। दूसरे ऐसे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं जिनको बीमारी हो चुकी है और ये इस वायरस के संक्रमण से लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने वाले लोगों की संख्या ये है। और तीसरा जो समूह है लोगों का वो ये है कि इनको इन्फेक्शन हुआ था परंतु इन्होंने बीमारी पर विजय प्राप्त कर लिया और आज स्वस्थ है। इस तरह से अब अगर हम देखें आज की सिचुएशन जो हमारी कंट्री की है, 135 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, अभी कुल मिलाकर के 3 लाख का आंकड़ा ये पार कर चुका है, 3,10,000 के आसपास, 15,000 के आसपास का फिगर चल रहा है, कितने में, 135 करोड़ लोगों में। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि देश की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिस तक कोरोना वायरस अभी पहुंच नहीं पाया है। तो वो पॉपुलेशन कौन सी है, ये पॉपुलेशन हेल्दी लोगों की पॉपुलेशन है। अब अगर यहाँ पर इस पॉपुलेशन को हम एक स्फीयर से दिखाना चाहें और ये जो हेल्दी पर्सन्स हैं, ये ऐसे पर्सन्स जो हेल्दी हैं जिनको इन्फेक्शन अभी नहीं है उनको हम ये ब्लैक स्फीयर से दिखा रहे हैं। इन्फेक्टेड पर्सन्स वो हैं जिन्हें हम ब्लू स्फीयर से दिखा रहे हैं और ऐसे पर्सन्स जिनकी रिकवरी हो चुकी है वो ये हैं। ये ब्लैक स्फीयर से उनको दिखाया है जो हेल्दी हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 135 करोड़ पॉपुलेशन में 3,10,000 को हटा दें तो बाकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की वो कौन सी है, वो ये है। इन्फेक्टेड पर्सन्स ये हैं जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, संक्रमण हो गया है, और जो पर्सन्स इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं उनको हमने यहाँ पर रेड स्फीयर से दिखाया है। अब आपको मालूम है कि जितने इन्फेक्शन हैं उनमें से 50% से ज़्यादा इस समय हमारे देश में वो कौन हैं, लगभग 1,70,000 के आसपास की जो पॉपुलेशन है
वो इस बीमारी को रिकवर कर चुकी है। यानी कि 3,15,000 में से अगर हम देखें तो लगभग 1,70,000 ऐसे लोगों की संख्या है जो कि इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं, और इन्फेक्टेड पर्संस लगभग कितने हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं। इस तरह से अब इस पॉपुलेशन में अगर हम शुरू में देखते तो इन्फेक्टेड पर्संस की संख्या बहुत कम थी, और जो हेल्दी पर्संस थे उनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। शुरुआत में अगर हम देखें मान लीजिए कि ये 10% हैं, इस पॉपुलेशन में 10% दिखाए गए हैं, और ये इनमें से अब अभी इन्फेक्शन नहीं था और आगे चल करके इस कॉलोनी में अब इन्फेक्शन हो गया, अब देश में इन्फेक्शन हो गया। सबसे पहले पहला मरीज मिला, अब अगर देखें तो सिचुएशन क्या है, इनमें से एक बंदा ऐसा है जो कि जिसको कोरोना का संक्रमण हो गया, दिस वन, ये इन्फेक्टेड पर्सन है। अभी इसके पहले ये जो पॉपुलेशन थी 100% हेल्दी थी, ये पॉपुलेशन 100% कोरोना फ्री थी, ये पॉपुलेशन 100% कोरोना फ्री थी, लेकिन इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन बाहर से कोई पेशेंट आया और यहाँ पर इन्फेक्शन कर दिया। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर अभी आपके पास जो हेल्दी पर्सन है वो कितने हैं, हेल्दी पर्सन 9 और इन्फेक्टेड कितने हैं, केवल 1। ये कंडीशन बन रही है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो इन्फेक्टेड पर्सन है ये बाकी हेल्दी पर्सन्स के लिए कैरियर की तरह काम करना शुरू करेगा, यानी कि यह बाकी अन्य में बीमारी फैलाएगा। अब ये मान लीजिए कि इस पर्सन ने बीमारी फैला दिया, दो लोगों को और बीमार कर दिया, ऐसे ये देखेंगे आप। अब इस पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो दो और बीमार हो गए, यानी कहने का मतलब ये हो गया अब यहां पर जो इन्फेक्टेड पर्संस हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, ये हो गए। यहां पे अगर देखें तो इन्फेक्टेड कितने हैं, इन्फेक्टेड 3 हैं और हेल्दी कितने हैं, 7 हैं। लेकिन अब ध्यान रहे कि चूंकि इनका इलाज चल रहा है, या यूं समझ लीजिए कि अपने दम पर इन्होंने रिकवर कर लिया, तो बीमारी से रिकवर करने वाले लोग भी अब बढ़ने लगेंगे, यानी जिन्हें इन्फेक्शन हुआ अब ये रिकवर करना शुरू करेंगे, और जब ये रिकवर करना शुरू करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी। यहां पर अगर आप देखें तो अब रिकवरी करने वालों की संख्या बढ़ गई, अब इस तरह से इस पॉपुलेशन को देखें अगर तो इसमें से जो 3 इन्फेक्टेड थे 2 रिकवर कर गए, 2 ने बीमारी से विजय प्राप्त कर लिया। अब यहां पर 3 तरह के लोग हैं, कौन कौन से, इन्फेक्टेड, रिकवर्ड एंड हेल्दी। यहां पर इन्फेक्टेड केवल 1 रहे, रिकवर्ड 2 हो गए और हेल्दी यहां पर इनकी संख्या अभी 7 बनी हुई है। लेकिन ध्यान रहे कि इन्फेक्शन का दौर अभी जारी है, लेकिन इन्फेक्शन करने वालों की संख्या घट गई। यहां पर इन्फेक्शन कराने वाले 3 थे, अब इन्फेक्शन कराने वाला कौन है, केवल 1 है। अब अगर हम यहां पर देखें तो हम इसे पीक मान सकते हैं, बीमारी का पीक मान सकते हैं, मैक्सिमम, क्योंकि संख्या यहां पर ज्यादा है
और अब इन्फेक्टेड पर्सन्स की संख्या घट गई और रिकवरी करने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके बाद कुछ समय के बाद अगर हम इस पॉपुलेशन को देखेंगे अब इस पॉपुलेशन को दोबारा अगर हम आगे देखें तो यह जो इन्फेक्टेड था इसने यहां पर फिर क्या कर लिया, दो को इन्फेक्टेड किया और फिर यह जो पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है। अब आप देखेंगे कि जो यहां पर यह इन्फेक्टेड था यह रिकवर कर गया क्योंकि यह इम्यूनो स्ट्रांग था। ऐसी कंडीशन में बीमारी से रिकवर करने वालों की संख्या 3 हो गई, लेकिन नए केस कितने आ गए क्योंकि नए केस भी आ रहे हैं। अब ये नए केस कितने हैं तो नए केस 2 हो गए, लेकिन स्वस्थ लोग कितने बचे। अब अगर हम यहां पर देखें तो स्वस्थ लोगों की संख्या केवल 5 है। ये 10 लोगों की पॉपुलेशन में अब यहां पर जो रिकवर्ड है इनकी संख्या 3 है। अभी कितनी थी, 2, अब कितनी हो गई, 3, लेकिन नए केस कितने आ गए, 2 न्यू अराइवल। यहां पर 2 केस नए आ गए। अब अगर हम देखें इस पॉपुलेशन को आगे, चूंकि रिकवरी का रेट इन्फेक्शन के रेट से तेज है तो फिर जो नई पॉपुलेशन बनेगी, अब यहां पर अगर हम देखें जो नई पॉपुलेशन बनेगी उसमें रिकवरी करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 4 रिकवरी वाले केस हो गए, हेल्दी पर्संस 4 बचे केवल। और इनमें से जो इन्फेक्टेड था, इन्फेक्टेड में से 1 बचा है लेकिन 1 की क्या हो गई, डेथ हो गई, 1 कोलैप्स्ड, 1 मर गया। अभी 1 का इन्फेक्शन अभी ऑलरेडी है लेकिन रिकवरी करने वालों की संख्या क्या है, ये ज़्यादा है। अगले स्टेज में आप देखें, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है इसमें कोरोना का जो ट्रेंड दिख रहा है उसमें यह दिख रहा है कि रिकवरी करने वालों की संख्या तेज है, मरने वालों की संख्या बहुत कम है। यानी कहने का मतलब लगभग 2-3% ही केवल जा रही है और रिकवरी का केस जो है वो लगभग 50% को ऊपर क्रॉस कर गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर यही ट्रेंड लगातार चलता रहा तो ऐसी कंडीशन में अब आप देखेंगे कि इन्फेक्शन, इसने फिर इनको इन्फेक्शन करा दिया और इन्हें इन्फेक्शन करा दिया, लेकिन जिसने इन्फेक्शन कराया वो रिकवर हो गया। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको हेल्दी कितने मिलेंगे, अब हेल्दी आपके पास बचे 2, आपके पास बीमारी से रिकवर्ड कितने हुए, इनकी संख्या कितनी हो गई, 5, जो यहां पर इन्फेक्टेड था वो भी रिकवर कर गया तो संख्या कितनी हो गई, 5, और 1 नया केस आपको मिल गया यहां पर, इसने इनको इन्फेक्शन कराया और इन्हें। अब आप देखें यहां पर तो 5, 2, 7 और 2, 9 और 1 इंडिविजुअल की डेथ हुई थी यहां पर। अब इस पॉपुलेशन में 2 हैं लेकिन चूंकि रिकवरी फास्ट है ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यह पॉपुलेशन आप इस स्टेज में आकर रुकेगी, रिकवरी करने वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें से जो 2 इन्फेक्टेड थे इन्होंने भी रिकवर कर लिया, अब संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 7, लेकिन इन्होंने 1 को इन्फेक्ट कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में 1 इन्फेक्टेड है और 1 बंदा इस बीमारी से मर चुका है। अब इस पॉपुलेशन पर अगर हम ध्यान दें तो कुल मिलाकर के ऐसे बंदे जो कि इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं इनकी संख्या डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, दिखाई दे रहा होगा ट्रेंड आपको। तो इस प्रकार से इस बीमारी से रिकवर करने वाले इतने, डेथ 1 हुई है, इन्फेक्टेड 1 है और हेल्दी कौन है, ये 1। फिर क्या होगा कि आगे चल करके ये पॉपुलेशन यहां पहुंच सकती है,
इस तरह से आप अगर देखेंगे यहां पर तो 10 में से लगभग 80% पॉपुलेशन, ये 80% पॉपुलेशन इट हैज ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज। और जिस प्रकार का ये ट्रेंड हिंदुस्तान में चल रहा है, अगर यही चलेगा तो अपने पीक पर आने के बाद कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या लगभग 80% हो जाएगी और मरने वालों की संख्या बहुत कम होगी, नॉमिनल होगी। यानी कि एक उम्मीद की किरण बची हुई है कि अगर वैक्सीन हमको जल्दी से प्राप्त ना हो तो भी जिस रेट से रिकवरी चल रही है, इस बीमारी से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या यहाँ से स्टार्ट होकर के जो ट्रेंड फॉलो कर रही है आप देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि भीड़ में इन्फेक्शन तो बढ़ा लेकिन रिकवरी करने का चांस भी बढ़ गया, इसलिए रिकवर्ड लोगों की संख्या बढ़ गई है। और अब इनको अगर दोबारा इन्फेक्शन होगा तो हम देख लेंगे, क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ये फास्ट एक्टिंग होता है, इसलिए दोबारा अगर कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में बने होंगे और फिर हम देख लेंगे उसे। इस तरह से ये एक मतलब संकल्पना है, साइंस की एक थ्योरी है जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर सारे आंकड़े जैसा गवर्नमेंट पेश कर रही है, मीडिया बता रही है, अगर इसी के अनुसार सब कुछ होता रहा तो डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मॉर्टेलिटी का रेट जितना ट्यूबरकुलोसिस के केस में है, हेपेटाइटिस से लोग मर रहे हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा कैंसर से या फिर एक्सीडेंट से जिनकी डेथ हो रही है, तो इस तरह से एक पैनिक सिचुएशन जो बनी हुई है कोरोना के खिलाफ, जो डर बना हुआ है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जितना ही ज़्यादा हम मजबूती के साथ इससे बाहर निकलकर सोचेंगे हमारा मस्तिष्क उतना अच्छा सोचेगा, और अगर ब्रेन अच्छा सोचेगा तो अच्छे सेक्रीशंस निकलेंगे, अच्छे सेक्रीशंस निकलेंगे तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं उतनी हेल्दी होंगी, और इम्यून सेल्स जितनी हेल्दी होंगी हम भी इस 80% पॉपुलेशन का हिस्सा बन सकेंगे। क्लियर? तो इस तरह से दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी, जिसके दम पर हम ये सोच पा रहे हैं कि आने वाला कल हमारे लिए अच्छा ही होगा और हम इस बीमारी से निश्चित रूप से रिकवर कर सकेंगे, ईश्वर करे ऐसा ही हो। ठीक है, आज के अपने इस लेक्चर में अब तक हमने आपको 4 लेक्चर्स कोरोना पर डिस्कस किए हैं, वायरस का स्ट्रक्चर, उसकी ओरिजिन क्या है, फिर उसके बाद उसके द्वारा होने वाले पैथोलॉजिकल चेंजेज, और 2 लेक्चर हमने इम्यूनिटी पर आपको दिया है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए जितने भी तरीके आयुर्वेद में बताए जा रहे हैं, जैसे काढ़ा लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, योगा करना है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये रामबाण है, इन पर आप भरोसा करें। जितने भी तरीके कोरोना वायरस से बचने के आपको सरकार बता रही है, मीडिया में बताया जा रहा है, उसको फॉलो करें, नियम के साथ चलेंगे तो इन्फेक्शन ना के बराबर होगा, आप उससे बचे रहेंगे और एक अच्छे हिंदुस्तान का निर्माण कर सकेंगे। हमें लगता है कि आपको हमारा ये लेक्चर निश्चित रूप से पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।